Hi guys this is Sandeep and welcome back to let's learn english with sandeep sagar in this video we are going to learn some short daily use english sentences that will help you to speak english fluently so without wasting any time let's begin himmat mat don't lose hope don't lose hope wo theek ho jayegi She will be fine. She will be fine. use dilasa do Console her. Console her. अब रोना धोना बंद करो. Now stop fussing. Now stop fussing. और उसका अच्छे से ख्याल रखो. and take care her properly बहुत नखरे हैं उसके she has many tantrums she has many tantrums पर वो सुंदर है but she is beautiful but she is beautiful वो तुमसे ज्यादा गोरी है she is more fair than you she is more fair than you वो उतनी सुंदर नहीं है she is not that beautiful she is not that beautiful आप ज्यादा सुंदर हो you are more beautiful you are more beautiful अच्छा अब मस्का मत लगाओ वेल डोंट वटर अप नाओ वेल डोंट बटर अप नाओ मैं सच बोल रहा हूँ आई एम टेलिंग द ट्रूथ आई एम टेलिंग द ट्रूथ आप भी ना कई बार आप इस तरीके से बोलते हैं यू आर टू मच यू आर टू मच उसने तुम्हें उल्लू बनाया ही ट्रिक्ड यू ही ट्रिक्ड यू वह मेरे बगल से गुजरी सी passed बाय मी सी passed बाय मी नाम की स्पेलिंग बताओ कई बार आप स्पेलिंग पूछते हैं Spell योर नेम प्लीज़ स्पेल योर नेम प्लीज़ क्या बोला है ना आप पूछ रहे हैं what did you say what did you say मैंने सुना नहीं आप पूछ सकते हैं i didn't hear i didn't hear और जोर से बोलो आप बोलते हैं speak more loudly speak more loudly अब इसे ठीक करो नाव फिक्स एट नाव फिक्स एट तुमने खराब क्यों किया आप बोल सकते हैं वाई डिड यू डिस्टोट एट इतना नहीं है ना कई बार आप बोलते हैं इतना नहीं नाट दिस मच नाट दिस मच जितना हो सके है ना आप सिंपली इंग्लिश में बोलते हैं एज मच एज पॉसिबल एज़ मच एज पॉसिबल उस तरफ से आइए आप बोलेंगे कम डैट वे कम डैट वे यहाँ पानी है आप बोलते हैं देर इज़ वाटर हीयर देर इज़ वाटर हीयर तुम यहीं रुको आप बोलेंगे यू स्टे हियर यू स्टे हियर आस पास रहना आप बोल सकते हैं स्टे क्लोज बाय स्टे क्लोज बाय फोन मत उठाना आप बोलेंगे डोंट पिक अप द फ़ोन डोंट पिक अप द फ़ोन फ़ोन काटो फ़ोन काटने के लिए आप बोलेंगे हैंग अप द फ़ोन हैंग अप द फ़ोन मम्मी से झूठ मत बोलो डोंट लाइट टू मॉम डोंट लाइट टू मॉम रविवार को आना कम ऑन संडे कम ऑन संडे ध्यान से पकड़ो आप बोलते हैं होल्ड इट केयरफुली होल्ड इट केयरफुली इसे गिराना मत है ना आप बोलेंगे इंग्लिश में डोंट ड्रॉप इट डोंट ड्रॉप इट कल किसने देखा है आप बोलते हैं हु हैज़ सीन द हु हैज़ सीन द टमोरो कल कभी नहीं आता टूमोरो नेवर कम्स टूमोरो नेवर कम्स जो करना है अभी करो डू नाउ वट एवर यू हैव टू डू डू नाउ वट एवर यू हैव टू डू इसे टालो मत है ना आप बोलते हैं डोंट पुट इट ऑफ डोंट पुट इट ऑफ मैंने उसे जुबान दी है आप बोलेंगे इंग्लिश में सी हैज़ माई वर्ड सी हैज़ माई वर्ड सुसू लगा है है ना आप बोल सकते हैं आई नीड टू पी आई नीड टू पी बिल्ली को भगाओ कई बार बच्चे डर जाते हैं तो वो ऐसे बोलते हैं सू अवे कैट सू अवे द कैट क्या करूं क्या ना करूं व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू मैं जाऊं या ना जाऊं आप सोच रहे हैं वेदर शुड आई गो और नॉट वेदर शुड आई गो और नॉट ज्यादा मत सोचो डोंट थिंक टू मच डोंट थिंक टू मच दिल की सुनो आप सिम्पली इंग्लिश में बोलते हैं लिसन टू योर हार्ट लिसन टू योर हार्ट एक आध घंटे में है ना आप बोलते हैं इन एन आर और सो इन एन आर और सो इसे क्या कहते हैं मान लीजिए आपको कुछ पता नहीं है आप पूछ रहे हैं What is it called? What is it called? उठ कर बैठो कोई लेटा हुआ है आप बोलते हैं उठ कर बैठो Sit up, sit up। अनर्थ हो गया है ना आप बोलते हैं क्लैमिटी हैज़ बी fallen. क्लैमिटी हैज़ बी fallen. कहाँ से कहाँ तक है ना कई बार पूछते हैं ऐसे फ्रॉम वेयर टू वेयर फ्रॉम वेयर टू वेयर मुझे गाना सुनाओ आप बोलते होंगे कई बार सिंग मी अ सॉन्ग सिंग मी अ सॉन्ग थोड़ी देर रुको आप बोल सकते हैं इंग्लिश में वेट फॉर अ वाइल वेट फॉर अ वाइल मैं अभी आया आप बोलते हैं इंग्लिश में आई एल बी राइट बैक आई एल बी राइट बैक कितनी देर में है ना तो आप बोल सकते हैं इन हाउ मच टाइम इन हाउ मच टाइम जीव बाहर निकालो आप बोलते हैं स्टिक आउट योर टंग स्टिक आउट योर टंग चिंता क्यों करते हो है ना कई बार समझाते हुए आप बोलते हैं वाई डू यू वरी वाई डू यू वरी पापा है ना आप बोल सकते हैं इसके लिए इंग्लिश में डैड इज विद यू राइट डैड इज विद यू राइट देखो मगर प्यार से कई बार आप ऐसे सेंटेंस देखते होंगे ऑटो के पीछे लिखा होता है सी बट विद लव मैंने ठान लिया है आप ये वाक्य भी बहुत बोलते होंगे आई हैव अप माई माइंड आई हैव मेड अप माई माइंड